आज हम कक्षा 11 ज्योग्राफी भूगोल का जो है वो अध्ययन करेंगे। वैसे आप लोगों ने कक्षा 10 में भूगोल का अध्ययन जो है वो किया है, सामाजिक विषय के अंदर भूगोल का आपने अध्ययन किया है, परंतु कक्षा 11 में जो है वो ज्योग्राफी शब्द या ज्योग्राफी सब्जेक्ट जो है वो अलग से बना दिया गया है। अपने थोड़ा विस्तृत रूप से जो है वो अध्ययन करेंगे। भूगोल शब्द से या भूगोल के अंदर किस किस विषय वस्तु को शामिल किया जाता है या किन किन क्षेत्रों के बारे में हम अध्ययन करते हैं, इन सभी चीजों से आप या इन सभी विषयों से आप पहले से ही संक्षिप्त रूप से परिचित हैं। आज हम इस सब्जेक्ट के ऊपर जो है वो थोड़ी विस्तृत चर्चा करेंगे। आप विश्व एवं इसके विभिन्न भौगोलिक तत्वों के से परिचित हैं तथा आप लोग जो है वो भूगोल का अध्ययन एक स्वतंत्र विषय के रूप में जो वो करेंगे। फिर सबसे पहली बात अपने बात करें तो भौगोलिक जो स्वरूप है से आप लोग जो है वो परिचित है। भौगोलिक स्वरूप किसको बोलते हैं? धरातल के ऊपर पाई जाने वाली स्थलाकृतियों का स्वरूप, उसको अपने क्या बोल सकते हैं? भौगोलिक। इन सभी से आप परिचित हैं, कहीं पे पठार है, कहीं पे पर्वत, कहीं पे महासागर, कहीं पे रेगिस्तान है। इन सभी चीजों से आप लोग पहले से ही परिचित हो। फिर आप किसी क्षेत्र विशेष के अपने जब बात करते हैं तो एक काल्पनिक अनुमान लगा सकते हो कि उस क्षेत्र की जलवायु कैसी है और उस क्षेत्र के लोगों का जीवन जो है वो कैसा है। इन चीजों का भौगोलिक स्वरूप का अध्ययन जो है वो करेंगे, परंतु उसी के साथ साथ भूगोल जो है उसका अपने एक स्वतंत्र विषय के रूप में अध्ययन करेंगे। रूप में भी अध्ययन करेंगे। भूगोल की सीमा जो है बहुत विस्तृत है, बहुत विस्तृत, यानी इसके क्षेत्र का कोई माप नहीं है। मानव की समस्त क्रियाओं से लेकर के उसकी प्राकृतिक क्षेत्र, जलवायु, मृदा एवं भौगोलिक स्वरूप सभी का हम क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। यानी मानव द्वारा किए जाने वाले समस्त प्रकार की क्रियाओं का अध्ययन जो है वो हम भूगोल के अंदर करते हैं। फिर मानव के द्वारा उसके द्वारा जीविकोपार्जन के लिए किया जाने वाले काम या मानव के द्वारा जो है वो अपने जीवन यापन में जो प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग किया जाता है उनका भी हम क्या करेंगे? विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तो मानवीय क्रियाओं उनके अंतर प्रक्रियात्मक संबंध के विषय के बारे में हम क्या करेंगे? भूगोल के अंदर जानकारी प्राप्त करेंगे। अब बात आती है कि हमें भूगोल क्यों पढ़नी चाहिए, भूगोल जो है वो हमें क्यों पढ़नी चाहिए, कि हमारे दैनिक जीवन में इसका क्या महत्व है या भूगोल हमारे लिए जो है वो क्यों आवश्यक है। हमें भूगोल क्यों पढ़नी चाहिए? क्योंकि हम
धरातल पर रहते। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम धरातल पर रहते हैं, हमारा जीवन जो है, हमारा जीवन जो है वो हमारे पास आसपास के, हमारे आसपास के यानी हमारे इर्द गिर्द के जो परिस्थान है उनके अनेक रूपों से, अनेक रूपों या स्वरूपों से प्रभावित होता है। इसलिए हमें क्या करने से बहुत पड़ी कि हम धरातल पर रहते हैं और हमारा जीवन जो हमारे आसपास के परिस्थान अनेक स्वरूप जो है या रूप है इनके द्वारा क्या होता है, प्रभावित होता है। फॉर एग्जाम्पल आदि मानव की बात करते हैं तो आदि मानव का मुख्य कार्य क्या था, आदि मानव का मुख्य कार्य था भोजन संग्रहण आठेट को बोलते हैं शिकार, और शिकार किसको बोलते थे, जीव जंतुओं का करता था या पशुओं का करता था। भोजन संग्रहण का मतलब भोजन के लिए वस्तुएं या खाद्य सामग्री एकत्रित करना, और वह एकत्रित क्यों करता था, जीवित रहने के लिए। यानी क्या करता था कि वो भोजन सामग्री इसलिए एकत्रित करता था कि उस भोजन सामग्री को खा करके वो अपना जीवन संचालित कर सके या जीवित रह सके। इसके अलावा प्राकृतिक निर्वाह संसाधनों के ऊपर वो अपना जीवन जो वो बिताता था। समय बीतने के साथ साथ क्या हुआ कि उसने अपने इस तरीके में परिवर्तन किया। समय बीतने के साथ साथ जैसे जैसे तकनीक का विकास हुआ, तकनीक के विकास के साथ साथ जो है मानव आदि मानव ने जो है वो इस स्वरूप को बदला। तकनीक के विकास के साथ साथ जो है वो आदि मानव ने जो है वो इन क्रियाओं को बदलकर प्राकृतिक संसाधनों यथा भूमि मृदा जल का उपयोग करते हुए अपना आहार उत्पादन करना प्रारंभ किया। आहार उत्पादन का मतलब है आहार उत्पादन, इसके द्वारा भूमि जल मृदा मिट्टी जमीन और पानी, जमीन मिट्टी और पानी इनके द्वारा जमीन के ऊपर उपजाऊ मिट्टी पर उसने कृषि कार्य प्रारंभ किया और सिंचित करने का काम जो पानी के माध्यम से किया। तो उससे क्या हुआ कि उसके जो जीवन शैली थी या जीवन का तरीका था उसमें परिवर्तन हुआ। आहार उत्पादन यानी पहले क्या करता था, संग्रहण का काम करता था। संग्रहण का मतलब होता है एकत्रित, एकत्रित क्या करता था, जड़ी बूटियां कंदमूल शहद इस वनों की जो है वो छोटे पौधों की पत्तियां इनको खाकर अपना जीवन संचालित करता था। बाद में उसने क्या किया, इन तीन चीजों के माध्यम से जैसे जैसे तकनीक का विकास हुआ वैसे वैसे इन तीन चीजों के माध्यम से भूमि जल और मृदा के माध्यम से उसने क्या किया कि संग्रहण के कार्य का रूप परिवर्तन कर दिया। और वो रूप परिवर्तन क्या था, आहार उत्पादन। आहार उत्पादन का मतलब है भोजन के लिए वस्तुओं का या फसलों का या खाद्य सामग्री का उत्पादन प्रारंभ कर दिया, उत्पादन प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार से वर्तमान में भी आप देख रहे हो कि व्यक्ति जो है वो कृषि कार्य जो है वो कर रहे हैं। तो ये कृषि कार्य जो है वो आज से नहीं प्राचीन काल से संचालित किए जा रहे हैं। इसके अलावा आदि मानव ने जो है वो कृषि भूमि में उत्पादन करने के लिए जो है
वो किसका उत्पादन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए पहिए का भी आविष्कार किया था। पहिए का आविष्कार जो है वो उसने इस कृषि कार्य के लिए नहीं किया था, उसने क्या किया था, अपने द्वारा अपने कबीले से दूर किए गए शिकार को अपने क्षेत्रों को लाने के लिए एक गाड़ी का निर्माण किया था। तो जिसके जो क्या है कृषि कार्य में भी क्या हुई, इनकी सहयोगी की भूमिका निभाई। इस प्रकार से जो है वो मौसमी दशाओं के अनुरूप क्या क्या समायोजित किया, ध्यातव्य रहे यानी ज्ञान रहे हमें कि प्राकृतिक संसाधन आधार, तकनीकी विकास, भौतिक वातावरण के साथ अनुकूलन है उसका परिष्करण, सामाजिक संतुलन, सांस्कृतिक विकास और विविधता पाई जाती है। अब भूगोल के छात्र के लिए एक बात महत्वपूर्ण आवश्यक है कि भूगोल का जो छात्र है जो भूगोल का अध्ययन करता है उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो अपने क्षेत्र के जो भौगोलिक स्वरूप है या वातावरण संबंधित या मौसमी परिवर्तन यानी साधारण शब्दों में अपने ये बोल सकते हैं जलवायु के बारे में उसे विस्तृत रूप से ज्ञान होना चाहिए। यदि ज्ञान नहीं है तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी वो क्या होना चाहिए, इच्छुक होना चाहिए या तत्पर होना चाहिए। यानी इन सभी चीजों को जो है वो धरातल पर पाई जाने वाली विभिन्न विविधताओं के बारे में विभिन्न विविधताओं के बारे में जानने का इच्छुक होना चाहिए। ये विविधता है कैसे, किस प्रकार से आई और इन विविधताओं से पहले की जो स्थिति थी वो स्थिति क्या थी, तो विषय जानने के लिए क्या होना चाहिए, उत्सुक होना चाहिए। आप विविध प्रकार की कृषि लोगों से क्या है भूमि या लोगों से परिचित है, फिर भी समय के साथ साथ परिवर्तनों को हमें क्या है कि समझने के लिए हमें क्या होनी चाहिए, रुचि रखनी चाहिए। भूगोल आपको विविधता समझने का एवं समय स्थान के संदर्भ में ऐसी विविधताओं को उत्पन्न करने वाले कारकों की खोज करने की क्षमता जो है वो क्या करती है, प्रदान करती है, जिसको आप ग्लोब के माध्यम से देख सकते हो या तकनीकी या कोई अन्य सूचनाएं जो है वो प्राप्त करने के लिए जो है वो GIS यानी भौगोलिक सूचना तंत्र का भी क्या कर सकते हैं, अध्ययन प्रयोग जो है वो कर सकते हैं। इस प्रकार के परिवर्तनों का अध्ययन करने के लिए हम ग्लोब यानी विश्व के समस्त क्षेत्रों की जानकारी प्राप्त करने के लिए क्षेत्र की सीमांकन, क्षेत्र की स्थलाकृति या फिर क्षेत्र के बारे में किसी अध्ययन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ग्लोब का प्रयोग कर सकते हैं। कौन सा देश किस प्रकार के महाद्वीप में आता है, उसकी आकृति क्या है, उन चीजों का ग्लोब के माध्यम से अध्ययन किया जा सकता है, उसके बाद में उसके परिवर्तन किस प्रकार के हुए उसका अध्ययन हम जो GIS ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम भौगोलिक सूचना तंत्र या फिर कंप्यूटर कार्टोग्राफी के रूप में जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। अब बात आती है कि भूगोल क्या है, भूगोल क्या है, तो भूगोल क्या है से पहले हम थोड़ी सी एक चर्चा करेंगे भूगोल क्या है। देखो ये पृथ्वी हमारा निवास क्षेत्र, ये हमारा ही नहीं हमारे साथ साथ अन्य भी छोटे मोटे जीव जंतुओं का भी क्या है आवास स्थल है, हमारे साथ साथ छोटे मोटे जीव जंतुओं का भी क्या आवास स्थल है। पृथ्वी की सतह एक रूप नहीं है, पृथ्वी की सतह क्या एक रूप किसको बोलते हैं, रूप बोलते हैं स्वरूप, एक बोलते हैं एक जैसा, यानी पृथ्वी का जो स्थला करती है या फिर अपन बोल सकते हैं स्वरूप जो है वो भिन्न है, यानी सभी जगह जो है
वो एक जैसा नहीं है, यानी सभी क्षेत्रों की जो स्थलाकृति है वो एक जैसी नहीं है, सभी क्षेत्रों की मृदा जो है वो एक जैसी नहीं है, सभी क्षेत्रों की यदि अपने पूरे के ऊपर बात करें जलवायु की एक जैसी नहीं है। तो अपने क्या कर सकते हैं, इसके भौतिक स्वरूप में क्या होती है, भिन्नता होती है। क्यों? क्योंकि कहीं पे पर्वत पहाड़ घाटियां मैदान पर्वत पहाड़ घाटियां मैदान पठार समुद्र झील रेगिस्तान पाए जाते हैं। इस प्रकार की भिन्नता होने के कारण या सामाजिक इस प्रकार की भिन्नता होने के कारण जो है वो अपने क्या कह सकते हैं कि पृथ्वी की स्थलाकृतिक स्वरूप जो है एक जैसा नहीं है। इसके अलावा सामाजिक व सांस्कृतिक भिन्नता भी जो है वो पाई जाती है, सामाजिक व सांस्कृतिक भिन्नता पाई जाती है। सभी क्षेत्रों की संस्कृति जो है वो एक जैसी नहीं होती और सभी क्षेत्रों में एक ही समाज के लोग नहीं रहते, विभिन्न समाजों के लोग रहते हैं। इसके अलावा जो सांस्कृतिक विकास की पूर्ण अवधि में मानवता द्वारा सांस्कृतिक विकास में भी सांस्कृतिक विकास किसको कहते हैं, संस्कृति का विकास करने के लिए यानी अपनी संस्कृति का विकास करने के लिए मानव के द्वारा सांस्कृतिक विकास के लिए मानव के द्वारा निर्मित इस संस्कृति का विकास किसने करना था, मानव ने करना था। तो मानव के द्वारा निर्मित गांव शहर या फिर अन्य जो कश में है, इसके अलावा सड़क रेल एवं पथर आदि का जो निर्माण किया था वो मानव जाति अन्य कई तत्वों के रूप में क्या है, विद्यमान है। अपने अत्यंत सरल शब्दों में यदि भूगोल को शब्द भूगोल क्या है को समझना चाहें तो अपने ये कह सकते हैं कि भूगोल पृथ्वी का वर्णन है, भूगोल पृथ्वी का वर्णन, पृथ्वी का वर्णन है। मतलब क्या है कि पृथ्वी का वर्णन, पृथ्वी के अंदर पाई जाने वाली स्थलाकृतियां सामाजिक और सांस्कृतिक भिन्नता इसके अलावा जलवायु इस सभी की विविधताओं का हम किसके अंदर अध्ययन कर सकते हैं, मानव द्वारा किए जाने वाले समस्त क्रियाकलापों का अध्ययन सभी चीजों का अध्ययन हम किसके अंदर कर सकते हैं, भूगोल के अंदर कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग जो है वो किसने किया था, किस भूगोल वेत्ता या विद्वान ने जो है वो ये निश्चित किया कि एक अलग ही विषय बना दिया जाए जिसमें पृथ्वी धरातल या फिर अपने मानव जाति के बारे में उसकी स्थलाकृति संस्कृति के बारे में या फिर धरातलीय स्थलाकृतियों के बारे में या फिर कृषि के बारे में या मानव द्वारा अपने जीव को पार्जन करने के लिए विस्तृत रूप से जो भी कार्य किए जाते हैं जिससे उसका जीव को पार्जन होता है उनके बारे में अध्ययन किया जाए। तो उसके लिए जो है वो उसने क्या किया, भूगोल शब्द का निर्माण किया। तो भूगोल शब्द जो है उसका प्रयोग जो है वो सबसे पहले इरेटोस्थनीज नामक एक ग्रीक विद्वान ने किया। ये ग्रीक विद्वान थे, इरेटोस्थनीज जो है वो ग्रीक विद्वान थे। उन्होंने 294 ईस्वी पूर्व जो है वो इस शब्द का निर्माण कर दिया था। 294 ईस्वी पूर्व जो है इसके अंदर 294 ईस्वी में इसका निर्माण किया। अब भूगोल जो है वो ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर के बना है, 2 मूल शब्दों से मिलकर के बना है। जियो प्लस ग्रीक भाषा के शब्द है ज्योग्राफी, जियो प्लस ग्राफोस, जियो का अर्थ जो है वो पृथ्वी का, ग्राफोस का अर्थ था वर्णन करना
तो शाब्दिक शब्दों में अपने क्या कह सकते हैं, पृथ्वी का वर्णन करना। दो शब्दों से मिलकर बना जियो प्लस ग्राफोस, इरोटोस्थनीज ने जो है वो इसका नामकरण किया, जिसका मतलब है पृथ्वी का वर्णन करा। दोनों को एक साथ रखा एक जो है वो मतलब मिलता है पृथ्वी का वर्णन करना। सर्वदा मानव के आवास के रूप में जो पृथ्वी को देखा जाता रहा है और दृष्टि से विद्वान भूगोल को मानव के निवास के रूप में पृथ्वी का वर्णन ही परिभाषित करते हैं। अब इसके बाद में क्या हुआ कि शब्द का निर्माण हो गया, उसके बाद में जो है इस भूगोल शब्द जो है इसके अंदर जो विशेष क्षेत्र शामिल किए गए वो क्या थे, विस्तृत थे। वो क्या थे, विस्तृत थे। तो इसकी दो शाखाएं बना दी गई, दो शाखाएं बना दी गई। एक तो बना दी गई भौतिक भूगोल और दूसरी बना दी गई, इसको बोलते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी, इसको बोलते हैं फिजिकल ज्योग्राफी। मानव भूगोल जो है उसमें मानव से संबंधित समस्त क्रियाकलापों, मानव के रहन सहन, संस्कृति, समाज, वेशभूषा, खान पान, उसके द्वारा जीविकोपार्जन के लिए की जाने वाली क्रियाएं, उसके द्वारा किसी वस्तु का रूप परिवर्तन करने के लिए उसकी शिक्षण बुद्धि आदि सभी का अध्ययन मानव भूगोल में किया जाता है। भौतिक भूगोल में क्या है कि धरातल के ऊपर या पृथ्वी के ऊपर पाए जाने वाली समस्त क्रियाकृतियों, उसकी जलवायु आदि सभी को क्या किया गया, शामिल कर दिया गया। भूगोल का विशेष क्षेत्र जो विस्तृत होने के साथ साथ भूगोल का जो है वो अन्य विज्ञानों के साथ भी क्या पाया जाता है, संबंध पाया जाता है, जैसे राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, इन सभी के साथ भूगोल का क्या है कि संबंध जो है वो पाए जाते हैं। भूगोल का विशेष क्षेत्र काफी विस्तृत है। मानव भूगोल के जो पिता महल की उपाधि जो है वो फ्रेडरिक रेटजर को दी गई थी। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी एंथ्रोपोजियोग्राफी, इनकी शिष्य जो थी वो थी हमारी एलन चर्चिल, जिसको आपने इसी सैंपल के नाम से पढ़ा होगा, फ्रेडरिक रेटजर को एफ रेटजर के नाम से आपने सुना होगा या पढ़ा होगा। अब अपने कल जो है वो भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के बारे में जो है वो थोड़ा विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। आपको इतना बता दिया मानव भूगोल के पिता में जो है वो किसको माना जाता है और ज्योग्राफी शब्द की उत्पत्ति किसने की थी, ज्योग्राफी शब्द की उत्पत्ति की थी इरोटोस्थनीज ने और मानव भूगोल के पिता में माना जाता है फ्रेडरिक रेटजर को। इससे आगे के टॉपिक के बारे में हम कल चर्चा करेंगे।